Hello dear students, welcome once again to this incredible platform of EduLover. Class 10th Standard Math Sample Paper Term 2 के question number 13 के solution में हम लोग पहुंच चुके हैं. अगर इसे previous video आपने अभी तक नहीं देखा है तो complete playlist का link मिलेगा आपको description में. साथ ही साथ अगर आप ने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में. क्वेश्चन नंबर 13 जो कि केस बेस्ड प्रॉब्लम है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ नेविगेशन वेदर इट इज बाय लैंड सी और एयर. GPS और रेडियो नेविगेशन सिस्टम हेल्प टू लोकेट आवर पोजीशन ऑन अर्थ विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स. ये जो है ये सारा का सारा हमें राम कहानी जो है इस टाइप से बताता रहता है, मतलब ब्ला 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 इस टाइप से करके आप इसे पढ़ सकते हो. ठीक है, जहां से क्वेश्चन है केस बेस्ड प्रॉब्लम में यही आपको देखने को मिलेगा. सबसे पहले एक बार ऐसे ही एक दो लाइन तीन लाइन चार लाइन पांच लाइन देखना, न्यूमेरिकल वैल्यू जिधर से आपको दिखना शुरू हो समझ लेना कि उधर से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, ये आपने बेसिक्स के भी जो सैंपल पेपर किए थे तो उसमें भी आपने देखा होगा कि इस टाइप से क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है. अ गार्ड स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर. तो जैसा आपको फिगर में देखने को मिल रहा है कि एक गार्ड है, जैसे कोई भी टावर होता है तो उसपे क्या होता है, जो इस टाइप का टावर जैसे सी में जो बना होता है उसके ऊपर में क्या होता है, गार्ड खड़ा होता है. तो उसी टाइप से हमें दिया हुआ है कि एक इस टाइप से है जो कि आपको फिगर में देखने को मिल रहा होगा. ठीक है, तो वो हमारा दिया हुआ है कि कितना हाइट कितना है. अ गार्ड स्टेड एट द टॉप ऑफ 240 मीटर. ये जो हाइट दिया हुआ है वो दिया है 240 मीटर है. बहुत अच्छी बात, अच्छे से पढ़ेंगे हर एक क्वेश्चन बहुत इजीली फॉर्म में हम लोग समझ सकते हैं. क्या, ऑब्जर्व एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट. अब एक अनआइडेंटिफाइड बोट है, तो लेट अस सपोज कि अनआइडेंटिफाइड बोट यहां पे कहीं होगा, यहां पे होगा कहीं, है ना. तो यहां पे हम लोग ऐसे बना दें अनआइडेंटिफाइड बोट, ये और ये हो गया हमारा अनआइडेंटिफाइड बोट, है ना. ये हमारा बोट है, वो अनआइडेंटिफाइड है, पता नहीं है कौन है. ठीक है, अ क्लाइनोमीटर और इनक्लाइनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगल्स और स्लोप, है ना. मतलब ये दो जो है उसका यूज किया जाता है स्लोप को मेजर करने में. ठीक है, द गार्ड यूज टू, ठीक है, क्लाइनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ जब देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट कमिंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस आर फाउंड टू बी 30 डिग्री. तो यहां पे जो एंगल बनता है दैट इज 30 डिग्री. कितना बनता है, 30 डिग्री. यहां से इसको देखता है तो इसको हमने पहले बना दिया ताकि एंगल बन सके. इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी. ठीक, ए बी और सी. ठीक है, कोई सुनी है, कोई सुनी है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या दिया है इसमें हमें, दिया हुआ है कि लाइट हाउस ऑफ द मुंबई हार्बर पिक्चर क्रेडिट टाइम्स ऑफ इंडिया ट्रेवल. ठीक है, चलिए छोड़िए इसको. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मेक अ लेवल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन. बना दिया भाई लेवल्ड फिगर हमने. एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट. ये बोट का डिस्टेंस कहां से हमें फाइंड आउट करना है, फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्व टावर, यहां से. यानी कि हमें बीसी फाइंड आउट करना है. कितना सिंपल है यार, परपेंडिकुलर हमें दिया है, बेस फाइंड आउट करना है. पहले में हमें क्या करना है, हमें बस टैन थीटा का फॉर्मूला यूज करना है. टैन थीटा, थीटा का प्लेस पे वैल्यू कितना है, 30 डिग्री. टैन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज बी सी. टैन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इक्वल्स टू ए बी कितना दिया है, 240 डिवाइडेड बाय BC. तो हमें फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो BC इक्वल्स टू 240 √3 किसमें, तो हमारा सारा आंसर मीटर में है तो ये भी आंसर किसमें होगा, मीटर में. यानी कि अब हमें टोटल लेंथ पता है, टोटल लेंथ यहां से यहां तक का टोटल लेंथ हमें पता है, दैट इज 240 √3 मीटर, ये हमें देखने को मिल रहा है. अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं. आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वॉज अप्रोचिंग द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस्ड बाई 240 √3 - 1. देखिये क्या होता है, 10 मिनट के बाद यहां पे जो गार्ड लड़ सब यहां पे जो खड़ा था, है ना, वो क्या देखता है, पहले तो उसको दिखा कि यहां पे है, फिर 10 मिनट के बाद उसको लगता है कि ये जो है वो टावर से नजदीक आता जा रहा है, तो 10 मिनट के बाद वो जो है यहां तक पहुंच जाता है. ठीक है, यहां तक पहुंच जाता है. ये सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. ये सेकंड पार्ट में आ गए. ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है. सेकंड पार्ट कर रहे हैं,
ठीक है। तो वो क्या करता है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, आफ्टर 10 10 मिनट के बाद ये जो बोट था वो चलते 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 यहां पहुंच जाता है, ठीक है। और जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करता है, इसका नाम ए बी सी तो हो गया था, ये डी, ये इस डिस्टेंस को हमें दिया हुआ है, दैट इज गिवन गिवन हमें सीडी डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया है, दैट इज 240 इंटू रूट 3 माइनस 1। ये जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया है 240 इंटू रूट 3 माइनस 1, ठीक है, अच्छी बात है। ही इमीडिएटली रेज्ड अ अलार्म, है ना, वो क्या करता है, इमीडिएटली रेज्ड करता है अलार्म को। व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वर टावर, तो बताता है कि यहां पे जो नया एंगल बनेगा, ये जो नया एंगल बनेगा दैट इज थीटा, ये कितना होगा। तो यहां से यहां तक का लेंथ हमें पता है, यहां से यहां तक का अभी लेंथ हमने निकाला था, कितना आया था, कितना आया था, 240 रूट 3, इतना हमें यहां पे देखने को मिला था। तो ये लेंथ पता है हमें, ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ हमें गिवन है, ये लेंथ हमें पता है। तो बीडी नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ हमें बीसी पता है, बीसी कितना है, तो अभी हमने निकाला है 240 रूट 3 मीटर, ये भी मीटर में। नाउ अब हमें क्या निकालना है, बीडी निकाल लेते हैं। बीडी कितना होगा, तो बीडी होगा दैट इज बीसी टोटल लेंथ माइनस सीडी, कितना हो जाएगा, बीसी कितना है, दैट इज 240 रूट 3 माइनस सीडी, सीडी कितना है, दैट इज 240 रूट 3 माइनस वन, रूट थ्री माइनस वन। तो यहां से कितना आ गया, 240 रूट 3 माइनस और प्लस माइनस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 240 रूट 3 माइनस और माइनस प्लस 240 इंटू 1 दैट इज 240। ये से ये मर गया तो हमारे पास बचा कितना, 240, यानी कि ये भी लेंथ जो बीडी है वो भी कितना है, 240 है। तो नाउ हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो इसमें भी टैन थीटा लगेगा, क्यों टैन थीटा लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो टैन थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है, दैट इज ए बी। बेस कौन सा है इस वाले ट्राइंगल में, यहां पे इन ट्राइंगल लिख लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से ट्राइंगल में चल रहे हैं, ठीक है। यहां पे आप लिख लोगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ये सब लिखना आप नहीं भूलोगे, ठीक है, मैं भूल गया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं भूलोगे। टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी बाय बेस दैट इज बी डी, है ना, बेस क्या है यहां पे, बी डी है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब हमने यहां लिख लिया टैन थीटा, लिख लिया टैन थीटा इक्वल्स टू ए बी, ए बी कितना दिया है 240 डिवाइडेड बाय बेस कितना है, यानी कि बी डी, बीडी कितना है, बीडी निकाला हमने 240 मर गया। तो टैन थीटा इक्वल्स टू 1, और टैन कितने डिग्री का वैल्यू, टैन कितने डिग्री का वैल्यू 45 होता है, तो टैन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो टैन 45 का, देयरफोर यहां से थीटा का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 45 डिग्री, एंड दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप ये केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से और सिंपल फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 और स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर के लास्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से, क्योंकि इसी टाइप से बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आने वाले हैं। और डिस्क्रिप्शन चेक करना कभी नहीं भूलेंगे आप।